बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, हमेशा बहारों के साए में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बेसन की पकौड़ियाँ बनाने लगे हैं, खट्टे पानी वाली आलू पकौड़ियाँ, बेसन की बूंदी भी आप कह सकते हैं। जिसके लिए मैंने ये एक प्याली बेसन, दो चम्मच हमने मैदा लिया हुआ है, थोड़ी सी अजवाइन, एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच नमक, आधा पाव इमली हमने गीली करके रखी है और आलू हमने बॉईल करके रखे हैं। अब बूंदी बनाने के लिए, हम पकौड़ियाँ बनाने के लिए, बूंदी बनाने के लिए आप जो भी नाम ले लें, बेसन को मिक्स करते हैं, अच्छा सा मिक्सचर तैयार करते हैं, एक बाउल लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें डाल के, अब हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते हैं, अच्छा सा मिक्सचर तैयार करते हैं। ये देखें मिक्सचर तैयार हो चुका है, ये एक गिलास पानी इसके अंदर गया है, ये देखें इस तरह का आपने तैयार करना है। अब 10 मिनट हम इसको स्टे देंगे, फिर हम आपको पकौड़ियाँ बना के दिखाते हैं। अब हम पकौड़ियाँ बना के दिखाते हैं आपको, ये देख लें स्टे हो चुका है इसको 10 मिनट। ऑयल हमने ऊपर रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, ये हमारा सरसों का ऑयल है, ये हमने एक छलनी ले ली है पकौड़ियाँ बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ियाँ बनाने के लिए आपका ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, ये देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी भी वैसे ही डाल लेते हैं जैसे हमने पहले डाली है, ये बाकी भी हमने डाल रही हैं, अभी सिर्फ 2-3 मिनट में ये भी तैयार हो जाएंगे। अब हम इमली का पल्प तैयार कर लेते हैं, ये पकौड़ियाँ हमने निकाल ली हुई हैं, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है उतनी देर में, इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया गीली की हुई है। अब हम इसको ऐसे ही मल मल के ना आराम से दबा दबा के निकाल लेंगे इसकी गुटलियाँ, ये देखें अब हम इसको ऐसे ही दबा के हमने निकाल लेनी है, ये देख लें गुटलियाँ हमने अलहदा कर दी हैं, पानी अलहदा हो गया। अब हम इसमें ये पुदीने की चटनी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच भर के हमने चाट मसाले का डालना है, ये खट्टी मीठी नहीं है, ये सिर्फ खट्टी खट्टी है, ये कितना सा नमक हम डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलू भी हमने काट लिए हुए हैं, ये प्याज पुदीना सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें आप इस पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक, आधे 10-15 मिनट तक इसको रखेंगे कि ये हमारी जो हमने पकौड़ियाँ अभी अभी बनाई हैं ये इसके अंदर थोड़ी सी नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हैं, ये देख लें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी लेके। अल्लाह हाफिज़।